क्या है पूरा मामला? सर, हमारे हमारे चाचा पीड़ित का रेप किए आपके 26 अप्रैल को, और उसको 26 अगस्त को उसका रेप किया और उसको डराया, धमकाया और बोला अगर घर पे जाके किसी को बोला तो तुझे मार देंगे और खुद भी अपना नस काट लेंगे, ऐसा बच्चे को डराया धमकाया और उसका बलात्कार किया। मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। थाने में 18 वर्षीय युवती का किया गया बलात्कार और अब जाकर माँ बाप समेत युवती को किया गया अगवा। जी हाँ दोस्तों, एक शर्मनाक घटना सामने आई है जो कि थाने के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। वागले स्ट्रीट इलाके में एक 18 वर्षीय युवती का बलात्कार होता है। बताया जा रहा है कि बलात्कारी कोई और नहीं उस युवती का सगा चाचा, जिसका नाम धर्मेंद्र नंदलाल चौबे बताया जा रहा है। 26 अगस्त के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में धर्मेंद्र नंदलाल चौबे ने अपनी भतीजी को, सगी भतीजी को, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास बताई जा रही है, अपनी एक दोस्त के घर लेकर जाकर पहले तो उसका बलात्कार किया और दोस्त दर्शना गवली जो कि युवती है उसके साथ मिलकर के बलात्कार के वीडियोस भी बनाए और उसे धमकी भी दी कि यदि अगर किसी को भी मुंह खोला तो तुझे जान से मार दूंगा और उसके बाद में तेरे घर वालों को भी मार दूंगा। वहीं आपको बताते चले, जब लड़की घर गई, डरी सहमी सी लड़की ने जाकर के अपनी बहन को मामला बताया, जिसके बाद घर वालों ने पूरे मामले को सुना और वागले स्टेट पुलिस स्टेशन जाने के बजाय वह लोग चित्तरसर पुलिस स्टेशन गए। वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। वहीं वर्तक नगर पुलिस स्टेशन ने मामले की छानबीन शुरू की और अब तक के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते लड़की का भाई और भाभी इन दोनों ने कल देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के बंगले के बाहर धरना दी और उनका कहना था कि जब तक के इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करेंगे हम अपने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि कल रात 8 से 9 के बीच में रेप पीड़िता, बलात्कार पीड़िता युवती जो थी वो और उसके माँ बाप समेत वहाँ से घर से गायब हो गई है। क्या कहा इसकी भाई और भाभी ने इस मामले को लेकर, कैसे पुलिस वाले की लापरवाही के चलते अब तक के इतने खूंखार आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि जो ये आरोपी है धर्मेंद्र नंदलाल चौबे, वो शिवसेना पार्टी से है, उपशाखा प्रमुख है, जिसके चलते पुलिस ने अब तक के उसको गिरफ्तार नहीं किया और इसी की वजह से रेप पीड़िता के भाई और भाभी ने आकर के देर रात सीएम एकनाथ शिंदे साहब के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं क्या कहा उस युवती की भाभी ने और उसके भाई ने इस मामले को पूरे विस्तार में। धन्यवाद। धर्मेंद्र चौबे ने उसका रेप किया जी। आप लोगों ने जाकर के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, शिकायत दर्ज करने के बाद में अभी तक धर्मेंद्र चौबे गिरफ्तार नहीं हुआ है और आज अचानक जो है रेप पीड़िता जो है ननद आपकी अपने माता पिता और अन्य सदस्यों के साथ गायब हो जाती है। क्यों करके गायब हो जाती है? परिवार के लोग भी उसके साथ क्यों चले जाते हैं? माता पिता क्यों चले जाते हैं? आप सीधे सीधे किडनैपिंग का आरोप लगा रही है तो किस आधार पर लगा रही है? क्या है पूरा मामला? सर, हमारे हमारे चाचा पीड़ित का रेप किए आपके 26 अप्रैल को और उसको 26 अगस्त को उसका रेप किया और उसको डराया, धमकाया और बोला अगर घर पे जाके किसी को बोला तो तुझे मार देंगे और खुद भी अपना नस काट लेंगे, ऐसा बच्चे को डराया, धमकाया और उसका बलात्कार किया। बार बार फोन आ रहा है उनका घर से, घर वालों का, और उनका फोन आ रहा है कि बोल रहे हैं कि लड़की को मार देंगे और पूरे परिवार वालों को बहलाया फुसलाया और उसको आज जो है घर से किडनैप करवा दिया। हम लोग 8 बजे से लेके अभी तक उसको बस ढूंढ रहे हैं, पुलिस चौकी गए वागले, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर का कोई कुछ बता ही नहीं रहे उन लोग क्या करे क्या नहीं कर रहे। तो 26 तारीख से अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
तो अभी यहाँ क्या गुहार लेकर आप खड़ी हैं मुख्यमंत्री जी के बंगले के बाहर हैं? हम शिंदे साहब से जो है अर्जी करने आए हैं कि हमें इंसाफ दिलाइए, क्योंकि वो आदमी इतने दिन से फरार है और हम लोग को भी मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग ने केस वापस लो, और हम लोग केस वापस नहीं लेना चाहते क्योंकि उसने अपनी खुद की लड़की के साथ भी ऐसा किया, हमारे भी साथ करने की कोशिश किया था और अपनी भतीजी को अपना हवस का शिकार भी बनाया, और हम साहब से चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले बस, और कुछ नहीं, बस साहब से इंसाफ चाहिए मुझे। कहीं कहीं ऐसा मतलब एक ऐसी भी बात कही जा रही है आप ही के इलाके के कुछ लोगों द्वारा कि ये झूठा आरोप जो है लगाया जा रहा है क्योंकि चाचा ने उसी अपनी भतीजी को जो है रंगे हाथों कहीं किसी के साथ पकड़ लिया था, इसलिए उस पर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है जी। चाचा क्योंकि जिस जगह बच्ची को लेके जाया गया लोकमान नगर, चाचा अपने सहेली दर्शना के दर्शना गौरी जो है वो चाचा की फ्रेंड है, और वो घर पे ऐसे आने जाने लगी थी 2020 से कि जैसे घर के फैमिली मेंबर होते वैसे आने जाने लगी घर पे। फिर उसके बाद ये आई उस दिन 26 तारीख के दिन पे वो आई, 4 बजे आई और घर वालों से बोली कि मुझे अपने मैडम के घर जाना है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, क्या मैं उसको लेके जाऊँ क्या लड़की को साथ में? तो सब घर वाले बोले कि ठीक है लेके जा, जल्दी लेके आना, ऐसा बोल के वो लेके गई, और ऐसे बोल के वो अपने घर लेके गई, लोकमान नगर लेके गई, वहां लेके गई और उसका रेप करवाया। वहां पे चाचा आए, उसके हाथ रस्सी से बांधे, ड्रिंक किए, गांजा पिए, लड़की का बलात्कार किए, उसका वीडियो भी बनाए और धमकी दिए। उसको 1000 रुपए पहले दे रहे थे, फिर उसके बाद उसको 100 रुपए दिए, बोलते कि 1000 रुपए लेके जाएगी घर पे तो तेरे घर वाले पूछेंगे कि तू इतना पैसा कहाँ से लेके। दर्शना गौरी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं, दर्शना गौरी पकड़ी गई थी पर घर से भगा लिया गया। आपसे बात करना चाहूंगा थोड़ा सा, आप क्या होते हैं रिश्ते में? और हस्बैंड हूँ। अच्छा, आप हस्बैंड हैं इनके? मेन यानी पीड़िता आपकी भतीजी है? बहन है। बहन है, बहन है, सगी बहन है, सगी बहन है, यानी धर्मेंद्र चौबे आपके भी चाचा। हाँ, मेरे चाचा। क्या क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में आप? इस पूरे मामले में सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 26 तारीख को हम लोग ने गुना श्रीनगर पुलिस चौकी में दाखिल किया है, वहाँ से वर्तकनगर पुलिस चौकी में ट्रांसफर हुआ है, वहाँ पे PSI सुरवे साहब के अंदर में ये केस है, और वहाँ से आने के बाद में हमें डेली पंचनामा करने के लिए स्टेटमेंट के लिए 3-4 दिन से मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, हालांकि मेरी वाइफ को और पीड़िता को लेके। तो आज मैं गया था मेरी बहन का स्टेटमेंट देने के लिए दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच, उसके बाद मैं घर आया 4 बजे, तो इनका गहना रखने के लिए 7-8 बजे मैं घर से निकला। तो को पैसे की जरूरत थी उतने में, जब मैं 9 बजे घर पे तो देखता मेरी बहन नहीं है। अच्छा। और इस साजिश में पूरा परिवार मेरे चाचा के साथ में खड़ा है, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं है। अच्छा। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा। सब उसके साथ दे रहे, बोल रहे घर बेच देंगे हम, उसकी जमीन करा के रहेंगे, कोई आगे नहीं आ रहा। वो लोग बोल रहे हैं जो शादी में तुम्हें गहने दिए हैं वो गहने दो, अपने मायके से पैसे लेके आओ, और ये सब पैसे हम बेच के और इसको हम धर्मेंद्र चौबे को छुड़वाएंगे। ऐसी क्या वजह है कि परिवार पूरा चाचा धर्मेंद्र के साथ खड़ा है, आप लोगों के साथ खड़े रहने तैयार नहीं है? क्योंकि सर वो कैसा है, वो दलाली का काम करते हैं, एडवोकेट का, लाइट बिल बनाना, टैक्स पावती बनाना, किसी का केस है तो 10,000 की जगह 20,000 रुपए ले लेना, वो उनका धंधा है रियल इस्टेट, और वो अपने नाम के आगे लगाते हैं एडवोकेट धर्मेंद्र चौबे जो कि 9वीं फेल है। अच्छा, मेरा कहना ये है, और एक ना सिंधे के उप शाखा प्रमुख है उनके अंदर में वो काम करते हैं। अच्छा, तो मेरा यही कहना है कि मेरे बहन को इंसाफ मिले, क्योंकि ये पीड़िता को भगाने के पीछे मेरे भाई को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है, इसके पीछे शिवप्रकाश चौबे और जयप्रकाश चौबे ये दोनों का हाथ है। अच्छा। लोगों ने मेरी माँ को और मेरी बहन को भगाया जब हम लोग नहीं थे, जब घर से हम 9 बजे आते देखते हैं कि मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा और दोनों भाई फरार है, उनका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा है। अभी मैं स्पॉट पे पुलिस को लेके गया, मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आज तक फोन स्विच ऑफ नहीं था, आज क्यों स्विच ऑफ हो गया? तो पुलिस अभी तक ये नहीं समझ पा रही कि मामला क्या है। वो बोलते खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, वो केस करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर पुलिस चौकी लेके, तो सोचो काहे के भाई है, अपने बहन के लिए आवाज नहीं उठा सकते, आज वो दब गए तो कल को कौन सी बहन अपने भाई के पास भरोसा करेगी? मेरा यही कहना है, मैं अपने बहन की तरफ से खड़ा हूँ इंसाफ दिलाने के लिए। वो एक पीड़ित है, वो एक पीड़ित है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आज 9 बजे से 8 बजे से गायब है, 9 बजे मैं रिपोर्ट लिखाया हूँ, 5-6 घंटे हो गए, अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं है। पीड़ित के साथ कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि मेरा भाई चाचा से मिला हो, कोई साजिश हो, स्पॉट पर ले जाकर उसको जान से मार दे, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? पुलिस डिपार्टमेंट लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोई नहीं लेगा। सब बोल रहे हम तहकीकात कर रहे हैं, 24 घंटे बाद हम
उसके पर एक्शन लेंगे तो केस करने का मतलब क्या है फिर हमारा, इंसाफ हमको कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि रेप के आरोपियों को छुट्टा कैसे छोड़ा गया अब तक, हाँ अब तक कैसे खुला रखा गया है? 26 तारीख को वारदात हुआ है तो 26 तारीख से अभी तक बोलते कि 2 सितंबर लग गया, 2 सितंबर लग, हमसे पूछा जाता है कि कहीं कुछ पता चला क्या? अरे हमें पता होता तो हम आपके पास क्यों आते थे? ठीक, धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंब्रा एक्सप्रेस पर, ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।